are you all? I hope everyone is fine. And welcome to the today's video. Today we are going to start the chapter 11. Okay? The name of the chapter is Indian Judiciary. We have studied in detail about the two organs of the government, the legislative and the executive. Now we will study in detail about the third organ of the government, that is the judiciary, which is the independent statutory and impartial organ of the government. तो last में हम लोगों ने देखा है दो organs जो थे legislative और executive. अब हम third organ पढ़ेंगे, जो third organ है वो है judiciary. Okay? The constitution of India provides for a systematic, organized and uniform judicial system throughout India. तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखें तो सिस्टमेटिक सिस्टम से बनाई गई है ये क्या जुडिशियल. ओके, थ्रू आउट द इंडिया द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ ए पिरामिड हायरार्की. वी हैव एस्टैब्लिश्ड ए यूनिफॉर्म जुडिशियरी एंड इट एट द टॉप मोस्ट लेवल 3 इट इज अ सुप्रीम कोर्ट विच इज एपेक्स कोर्ट एट द मिडल लेवल हाई कोर्ट्स एंड अंडर द जुडिशियरी आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एट द तालुका लेवल देर आर लोकल एंड स्पेशल कोर्ट्स अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर ट्रायल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स विच आर एस्टैब्लिश्ड टू कैटर टू वेरियस ऑब्जेक्टिव्स. तो यहाँ देखा जाए तो जुडिशियरी जो है वो 3 में डिवाइड हुई है और वो है सुप्रीम कोर्ट, ओके, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसे एपेक्स कहा जाता है और जो मिडल लेवल है उसे हम हाई कोर्ट्स कहते हैं और तीसरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में. ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियरी देखते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है इसका? A neutral and impartial judiciary is essential in the federal system for the protection and preservation of the rights of the Indian citizens and to solve any inequity between the center and state or between one state and the other state. तो इस इंपॉर्टेंस इसका क्या है? तो कि इसके अंदर हम देखें तो फेडरल सिस्टम है जो हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है और प्रिजर्व भी करता है. क्या प्रिजर्व करते हैं? तो राइट्स, जो सिटीजन्स के जो राइट्स है वो किन किन के बीच में? तो के सेंटर एंड द स्टेट, सेंटर एंड द स्टेट में, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स, रिकॉर्डिंग द डिविजन्स ऑफ द वर्कलोड. तो द जुडिशियरी इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैज टू इंटरप्ट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी प्रोविजन्स ऑफ एनी लॉ सो दैट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल्स. इन ऑर्डर दैट द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव डू नॉट वायलेट एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशंस वी रिक्वायर इन ए कंट्री इंडिपेंडेंट फॉर्म इम्पैचुअल एंड फियरलेस जुडिशियरी विच इज़ अ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी. तो यहाँ हम देखा जाए तो इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव जो है और लेजिस्लेचर जो है वो क्या है, इंटरफियर नहीं करते हैं. जो हम लोग है, जो ये हम लोग का जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट है और बिना डर का है, जो हम इसे कह सकते हैं हम लोग की डेमोक्रेसी है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू दैट इन अ जुडिशियरी प्रोसेस देर इज ए नो फ्लॉ और डिले एंड द सिटीजन्स गेट क्विक चीप एंड इक्वल जस्टिस. तो इसके अंदर देखा जाए तो कोई डिले मीन्स कोई देरी नहीं होती और सिटीजन्स जो है उनको क्विक जल्दी से और सस्ते से और सस्ता और सबको इक्वल जस्टिस मिल रहा है. इसमें ना कोई भेदभाव किया जाता. इन द प्रेजेंस ऑफ ए अलर्ट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव द जुडिशियरी वुड ऑलवेज रिमेन एक्टिव बट मेनी अ टाइम्स ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्टिवनेस एंड इररेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड authorities of the legislature impulse consonant independent and fearlessly judiciary has shown judicial inactiveness. Okay, ये जो हम लोग का था importance. तो अब हम देखते हैं apex. What is the apex means हम लोग का आ गया इसमें Supreme Court. Supreme Court जो है वो है apex है और institution of India में देखा जाए तो ये टॉप मोस्ट लेवल है और ये कहाँ आया हुआ है, दिल्ली में आया हुआ है. यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स जो इंडिया के हैं वो इसके नीचे काम करते हैं. तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं तो के 28 जजेस होते हैं, ठीक है. और जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट वो अपॉइंट होता है किसके चलते, तो के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में ये जो डिसाइड होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा होते हैं. बट इफ़ द प्रेसिडेंट फील्स दैट द वर्कलोड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इंक्रीज द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडिशनल एडेक जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट हैज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ऐसा लगा कि काम बढ़ गया है तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता है, इसे अपॉइंट कर सकता है. द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी. तो ये कैसे सेलेक्ट किया जाता है, उनके सीनियरिटी पर. एक्सेप्ट फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल द अदर जजेस आर अपॉइंटेड इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एज वेल एज अदर सीनियर जजेस. चीफ जस्टिस को छोड़कर बाकी के जो भी है वो किसे, वो उनके चीफ जस्टिस और अदर जो उनके सीनियर्स जो बड़े होते हैं उनसे वो लोग को सेलेक्ट किया जाता है. क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट? तो क्या सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन होना चाहिए.
और दे उनकी सर्विस होनी चाहिए 5 साल की जज में इन एनी वन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के किसी भी कोर्ट में उनकी 5 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए. शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स हैज एन एडवोकेट इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया. तो एडवोकेट होना चाहिए 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में. और फेमस ज्यूरिसिस्ट्स हैज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड नॉट बी मोर देन 65 ईयर्स ऑफ द एज. वो 65 ईयर्स से ज़्यादा होना नहीं चाहिए और उनका रिटायरमेंट जो एज है वो 65. सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायरमेंट है एज वो है 65. तो इनका टाइम पीरियड क्या है, तो कि रिटायरमेंट जो है 65 ईयर्स होते हैं. चेंजेस इन द एज ऑफ द रिटायरमेंट कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट थ्रू फ्रेमिंग ए लॉ. तो इनका रिटायरमेंट जो होता है वो फ्रेम किए, जो लॉज फ्रेम किए जाते हैं उस पर निर्भर है. दे कैन नॉट कैरी द प्रैक्टिस ऑफ लॉ इन एनी ऑफ द इंडियन कोर्ट्स बट दे कैन प्रोवाइड द सर्विसेज इन कम्युनिटीज अपॉइंटमेंट टू इन्वेस्टिगेट इन टू अनकॉमन सिचुएशंस और इवेंट्स. तो ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते लेकिन उनकी कमिटीज जो होती है उसमें वो लोग अपनी सर्विस जो है वो दे सकते हैं जो रिटायर हुए हैं. इफ़ इनकेबल टू carry out their duties before the time of retirement, then under such circumstances they can resign willingly from their post by tendering written resignations to the president. अगर उनका जो काम है वो उन पे नहीं कर पा रहे हैं तो वो ड्यूटी से निकाल दिए जाते हैं. बट द जजेस कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट एंड पावर इफ़ दे आर फाउंड टू बी गिल्टी इनकेबिलिटी मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी. अगर कोई गलती करते हैं और उनके केबल नहीं है तो ये लोग को उनके पोस्ट से निकाल दिए जाते हैं. दिस रिमूवल इज इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज कैरिड आउट थ्रू इम्पीचमेंट मोशन इन पार्लियामेंट. द प्रोसीजर फॉर इट हैज़ फॉलोड. एवरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ टू सबमिट ए memorandum having majority support to the president of the total number of members, at least 2/3 number of the members present in the representative session. तो इसके अंदर जो है वो पूरा जो उसका कार्यवाही होता है वो सब कुछ करता है पार्लियामेंट. तो और इस ये लोग को मेमोरेंडम दिया जाता है. मेमोरेंडम किस चीज़ का, तो मिसबिहेवियर ऑफ द जज एंड द कंडक्टिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टिंग प्रूफ फॉर द सेम. The concerned judges is given the opportunity to present his narration, his self-defense in the parliament. तो जो जज है उसे अपना opportunity दिए जाते हैं जो अपने उस self-defense के लिए. तो the president of India administrations the oath of secrecy and loyalty towards the constitution to the judges who appointed to the Supreme Court before taking the charge of their post. The judges are required to take the oath in oral as well as signed the pledge. फिर उसके बाद अगर दूसरा लॉ हम देखा, दूसरे जज का जब हम लेते हैं तो उसे ओथ लिया जाता है. टेकिंग द चार्ज ऑफ देयर पोस्ट, उनका पोस्ट लेने से पहले ओथ मीन्स शपथ लिया जाता है. ओरली हैज वेन एज द साइन द प्लेट. ओरली मीन्स मुंह से. द पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जुरिडिक्शंस द सुप्रीम कोर्ट जो है उनका पावर क्या है, तो इनका जो पावर है वो वास्ट बहुत ही बड़ा है अगर दूसरे कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो. और ये डिवाइडेड हुआ है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड एडिशनरी ज्यूरिसडिक्शन जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था. तो ओरिजिनल क्या है हम देखते हैं, तो कि जो कोर्ट होता है उसे पावर होता है डायरेक्टली जजमेंट के हाथ में केस लेना, ठीक है. व्हेन ए कोर्ट हैज़ ए पावर टू डायरेक्टली गिव जजमेंट आफ्टर हियरिंग के केस. जो कोर्ट होता है वो उसके जो उसका प्रॉब्लम्स होता है सुनकर सीधा जो उनकी हियरिंग्स दे देता है उसे हम कहते हैं ओरिजिनल जुडिशियंसी. एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू मेक डिसीजंस रिकॉर्डिंग द केस. और ये जो किसके हाथ में पावर है, सुप्रीम कोर्ट में, ओके. तो इनके हम देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में रिजोल्यूशंस क्या होते हैं. इट हैज़ अ पावर टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स. तो इनकी जो सेटलमेंट डिस्प्यूट होती है गवर्नमेंट में वो एक स्टेट को लेकर या फिर ज़्यादा स्टेट को होती है. इट हैज़ कम्प्लीट पावर टू गिव जजमेंट रिगार्डिंग फाइट्स और क्वरल्स बिटवीन स्टेट्स. तो इनके पास कम्प्लीट पावर होता है जो अगर एक दूसरा स्टेट जो है लड़ता है झगड़ता है एक दूसरे से तभी. तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो राइट जजमेंट दिया जाता है एनी सेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट में, ओके. तो पावर है प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का, क्या लेकिन तो क्या फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. तो यहाँ हम देखें तो ये अभी आया है एपीलेट जुडिशियंसी. 3 types ऑफ इट्स कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट. तो 3 cases जो केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अपील अगेंस्ट द सिविल केसेस और अपील अगेंस्ट द क्रिमिनल केसेस. तो 3 में ये जो एपीलेट जो है वो होता है.
तो कोई भी पर्सन अगर सुप्रीम कोर्ट में है अगेंस्ट द जजमेंट हो रहा है ऑर्डर टू राइटर गिवन बाय द हाई कोर्ट ऑन एनी केस ओनली इफ ए सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय द हाई कोर्ट अलोंग विद द जजमेंट एट द केस इन्वॉल्व्स एनी मैटर प्रिटेंडिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज बीन फॉल्सली इंटरप्रेटेड और कंटेंस एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड हेंस पेटिनेटर कैन अपील इन सुप्रीम कोर्ट फॉर द सेम। अगर हाई कोर्ट में वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, लेकिन जब उनके पास सर्टिफिकेट हो पर ठीक है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और अपनी अपील जो है उनके साथ कर सकते हैं सेम केस को लेकर। और उसके बाद हम देखें तो केस जो सिविल केस होते हैं हाई कोर्ट में सर्टिफाइज जो केस इन्वॉल्व्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द लॉ एंड दैट केस होल्ड्स जनरल इंपॉर्टेंस एंड इट इज नेसेसरी दैट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स एंड एन अपील कैन मेड इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ एनी सिविल केसेस इन्वॉल्विंग अ सम ऑफ द रुपीज 1 लाख और मोर कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। जब वो कोर्ट में जब वो सिविल केसेस होते हैं वो जो हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है तो वो आते हैं तो उनका जो सिविल कोर्ट में उनका जो एसेस जो समेस होते हैं वो केसेस के लिए तो वो लोग को थोड़ा अमाउंट जो है वो चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, वो हो सकता है 1 लाख से ज़्यादा। और अगर क्रिमिनल कोर्ट में हो इफ़ एनी लोअर कोर्ट छोटा सा कोर्ट एक्विकेटेड द क्रिमिनल फ्रॉम ए कैपिटल पनिशमेंट एंड इन द केस ऑफ हाई कोर्ट हैज़ गिवन कैपिटल पनिशमेंट टू द क्रिमिनल, अगर हाई कोर्ट से उनको पनिश किया जाता है क्रिमिनल्स को तो उस सर्कमस्टेंसेस में वो अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी जो सलाह देना वो अपने ओन से दे सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा है नहीं। तो इट कैन ट्रांसफर केसेस दैट आर गोइंग इन ऑर्डर टू द सुप्रीम कोर्ट, द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय फ्रेमिंग एक्ट। तो पार्लियामेंट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन कब कर सकते हैं, जब उनके फ्रेमिंग एक्ट मतलब जो एक्ट होते हैं उनके लॉज बनाए जाते हैं। एडवाइसरी, एडवाइसरी मीन्स यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो क्वेश्चन को समझ कर और लोगों की दृष्टि से वो क्या करता है, काउंसिल करता है सुप्रीम कोर्ट की। तो क्वेश्चंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को समझाए जाते हैं और फिर उससे सलाह दी जाती है। तो इस प्रोविजंस में देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वो लॉ और रियलिटी जो है उसे सामने लाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करता है, अपना ओपिनियन देता है और मैटर को वहीं पर ख़त्म कर देता है और फिर मैटर ख़त्म होने पर उसे वो सब कुछ बैक प्रेसिडेंट को भेजा जाता है और प्रेसिडेंट जो है टू फॉलो द एडवाइस और काउंसिल गिवन, और प्रेसिडेंट को ये फॉलो करना पड़ता है। तो उसके सिवाय जो अलग प्रॉब्लम्स है अलग पावर्स है वो क्या है देखते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पावर तो कि वो अपने आप से जजमेंट डिसीजंस ले सकते हैं और वो पनिश भी कर सकते हैं, ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशंस जो है उसमें इंटरफियर वायलेट्स नहीं कर सकते हैं। जो राइट दिया गया है प्रेसिडेंट से कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्ड कर सकता है और सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड सिटीजन्स को भी। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं उसे रिकॉर्ड्स रखते हैं। ऑब्जेक्शंस कैन बी टेकन अगेन, ऑब्जेक्शंस भी लिए जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ था। तो जजमेंट्स के डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट है वो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स ऑल आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट। तो हमें वो जो किए जाते हैं उसे सबको एक्सेप्ट करने होते हैं। एनी कोर्ट शोइंग इट्स कॉन्टेम्प्ट एंड डिसअप्रूवल कैन बी पनिश्ड इफ दे आर। अब हम देखते हैं कि इनके हाई कोर्ट के क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस तो एलिजिबल टू बी अपॉइंट द हाई कोर्ट वो सिटीजन होने चाहिए और मिनिमम पीरियड 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लोअर कोर्ट्स में और 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए एडवोकेट की तरह हाई कोर्ट में, ओके। तो और उनकी एज जो है वो 62 के नीचे होनी चाहिए और जो हैज़ टू टेकन एन ओथ ऑफ सीक्रेसी इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड साइन द कॉरेस्पॉन्डेंस प्लेज। और उनको क्या होना चाहिए, ओथ शपथ लेनी होती है और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर साइन करने चाहते हैं और अपॉइंट किए जाते हैं उन पे, जब अपॉइंट करते हैं तो उनके पास प्लेज भी लिए जाते हैं। द ज्यूडिशरी ऑफ द हाई कोर्ट, तो कि द पावर एंड द फंक्शंस जो हाई कोर्ट के कैन बी डिवाइडेड इनटू 3। तो हमने अभी तक देखा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अब हम देखते हैं हाई कोर्ट। तो ये जो है वो भी ओरिजिनल जुडिशियंसी, तो ओरिजिनल जुडिशियंस में क्या होता है, तो पावर्स होते हैं वो डायरेक्टली ले सकते हैं इंक्लूडिंग राइट्स इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस टू एनी पर्सन अथॉरिटी और एनी गवर्नमेंट इन केस ऑफ वायलेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द
सिटीजन्स। तो हाई कोर्ट जो है उनकी अथॉरिटी होती है रिलेटेड टू कंपनीज, मैरिज, डिवोर्स एंड एलिमोनी। तो जो केसेस है कॉन्टेम्प्ट कोर्ट के, लैंड रिवेन्यू के, लैंड रिफॉर्म्स, रिटर्न्स, ये सब जो है वो हाई कोर्ट संभालता है। तो चैलेंजिंग जजमेंट्स गिवन बाय द लोअर कोर्ट ऑफ द सिविल एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट। तो यहाँ पर कौन आता है, लोकल कोर्ट और क्रिमिनल केसेस बेस में आ सकते हैं। एपिलेट जुडिशियसी, तो इसमें जो देखा जाए तो हियरिंग्स, सुनाई होती है सिविल की और क्रिमिनल की। तो जो पिटिशंस चैलेंजिंग होते हैं जजमेंट के लोअर कोर्ट्स में, वो हाई कोर्ट में लिए जाते हैं। तो इस कोर्ट में देखा जाए तो पनिश जो दिया जाता है वो 4 साल से ज़्यादा होता है। और द जजेस इन द हाई कोर्ट, इफ़ एनी एक्यूज्ड इज गिवन एज द कैपिटल पनिशमेंट, उनको कोई एक्यूज दिया जाता है कैपिटल पनिशमेंट को, जैसे कोर्ट इन ए केस ऑफ ए मर्डर फॉर विच इज लेस रिजर्व पनिशमेंट इश्यूड बाय द लोअर कोर्ट, देन इन सच कंडीशन द जजमेंट कैन बी चैलेंज्ड इन ए हाई कोर्ट। अगर कोई मर्डर का जो केस आता है तो लोअर कोर्ट में, तो वो कहाँ अपील किए जाते हैं, हाई कोर्ट्स में। फिर वहाँ पर कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं जब लोअर कोर्ट में ये आता है। तो ये जो है अनसेटिस्फाइड जजमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल कैन बी अप्रोच एज द हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट हैज़ ए पावर टू डिसाइड अपॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू लॉ इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस को ध्यान में रखकर उसके पावर्स को, उसके लॉस को इसे पनिश किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव, तो हर एक कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी एंड पावर टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑल द सबकोऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स ऑफ द स्टेट ऑफ इट्स reasons. If the High Court feels it is necessary, then it can ask case papers from the subordinate court and then carry out the case proceedings. अगर इनको ज़रूरत लगी केस के बारे में तो वो पेपर्स जो है वो मंगा सकते हैं। द कोर्ट कैन फ्रेम जनरल लॉज टू कंट्रोल द प्रोसीजर एंड फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स अंडर इट्स पावर। तो ये कोर्ट जो है वो फ्रेम कर सकता है लॉज को और कंट्रोल भी कर सकता है अंडर इट्स पावर। तो हाई कोर्ट कैन डिसाइड क्राइटेरिया एंड टेबुलर फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फीस। तो हाई कोर्ट जो है वो अपने वेरियस टाइप के फीस के डिसाइड कर सकता है। हाई कोर्ट कैन गाइड डायरेक्ट सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द मैटर ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड एंट्रीज भी करते हैं। हाई कोर्ट के बाद देखा जाए तो कोई सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो क्वालिफिकेशंस लोक अदालत से, मैं आपको शॉर्ट में समझाते थे। तो इनके जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं हम देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है सिटीजन होना चाहिए और उनके एडवोकेट में प्रैक्टिस होनी चाहिए 7 साल की प्रैक्टिस, कितने साल की, 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जुडिशियरी ऑफ आइदर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टू इज एलिजिबल होता है इसके लिए। और ये जो जज है हैंडल कर सकता है सिविल सूट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है, केसेस, इसे सब हम कहते हैं सेशन जज। ओके, तो इसमें हम देखा जाए तो सिविल कोर्ट्स ऑफ द रुपी 1 लाख और मोर आइदर बाय द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैरिड आउट इनटू द डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स। तो यहाँ क्रिमिनल कोर्ट्स जो उसके अंदर देखा जाए तो उसके अंदर सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, मामलतदार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, और ये सब इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं। तो कोर्ट्स हैव ए पावर टू गिव पनिशमेंट टू द इम्प्रिजनमेंट रेजनिंग फ्रॉम 3 to 10 years एंड ए पेनल्टी अप टू ₹5,000 और मोर। इन केस ऑफ ए मर्डर द कोर्ट कैन गिव एन कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट एंड लाइफ सेंटेंस। तो इनको जो जो जेल की सज़ा होती है वो 3 से 10 साल की दी जाती है। पेनल्टी जो है 5,000 की तक होती है। अगर मर्डर किया जाए तो कैपिटल पनिशमेंट जो होता है वो और ज़िंदगी भर की कैद या फिर उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और जो लोक अदालत होती है, गुजरात स्टेट इट फर्स्ट टू स्टार्ट लोक अदालत। लोक अदालत जो शुरुआत की है वो किसने की है, गुजरात ने की है। और प्रोवाइड स्पीडी एंड इकोनॉमिकल जस्टिस टू द पोअर, वीक एंड एक्सप्लॉयटेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो छोटे छोटे सोसाइटी है उसमें जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोगों के लिए की गई थी ये। तो इस कोर्ट में फ्री सपोर्ट होता है, गाइडेंस थ्रू लीगल एड सर्विस सेंटर सिचुएटेड इन अहमदाबाद। कहाँ आया है ये, अहमदाबाद में। लोक अदालत फंक्शंस वॉलंटियर इवेंट ऑन संडेस एंड हॉलीडेज एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका हेडक्वार्टर्स एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द पेटिनेटर्स। तो यहाँ जो है लोक अदालत वो फंक्शन वॉलंटियरी स्वयं सेवक होते हैं, इवन ऑन संडेज भी होते हैं, हॉलीडेज में भी होते हैं। तो लोक अदालत में जो एडवोकेट्स है, सोशल वर्कर्स है, एजुकेटेडिस्ट है, रिप्यूटेड सिटीजन्स है, बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर्स, इंश्योरेंस ऑफिसर्स, जजेस और जुडिशियल ऑफिसर्स जो होते हैं। तो केस सेटलमेंट के लिए जो है वो बोथ द पार्टीज आर सेटिस्फाइड। इसमें जब कोई डिसीजन लिया जाता है तब दोनों पार्टीज उसमें क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। द केस हैज फाउट,
और जो केसेस होते हैं लोक अदालत के, वो ना जीते जा सकते हैं ना लॉस किए जा सकते हैं। तो ये जो लोक अदालत सेव टाइम एंड मनी, वो लोग टाइम को भी सेव करते हैं, पैसे को भी सेव करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेंडिंग केस है वो यहाँ पर सॉल्व होते हैं। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी देखते हैं हम लोग। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज केप्ट द जुडिशियरी इंडिपेंडेंट फॉर्म एंड फियरलेस फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जुडिशियरी इंडिपेंडेंट रखा है जो फियरलेस है फॉर द सोशल पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस के लिए। ओके चिल्ड्रंस, फ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल और यूनिफॉर्म प्लेस द केसेस ऑफ द पब्लिक वेलफेयर क्वेश्चंस, पब्लिक के वेलफेयर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर वेलफेयर कैन बी रिटर्न और सिंपल पोस्ट कोड एंड एन ऑर्डनरी लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट में। तो पास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ट्रीटेड सच मैटर्स एज पिटिशंस एंड एज गिवन ट्रेंड सेटिंग जजमेंट्स, दिस कैन बी प्रोवाइडेड द विजिलेंस आउट ऑफ द जुडिशियरी इन द पब्लिक। फिर बाद में ये पब्लिक में क्या किया जाता है, इसे कोर्ट में केस लाया जाता है और फिर सॉल्व किया जाता है। तो एट प्रेजेंट में हम अभी देखें तो 3.5 करोड़ जितने केस जो है वो पेंडिंग है। तो उसका कारण क्या है, तो क्या इनसफिशिएंट नंबर, कोर्ट्स जो है वो कम है, जजेस और स्टाफ जो है वो कम है और जस्टिस लेने में थोड़ा सा देर कर रहे हैं, इसलिए अभी देखा जाए तो 3.5 करोड़ केस है वो अभी तक पेंडिंग है। तो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन द टास्क ऑफ रिफ्रेमिंग 1,500 ओल्ड एंड इरेलेवेंट लॉज। इसीलिए जो अभी प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने टास्क लिया है रिफ्रेमिंग, फिर से वो फ्रेम करने के लिए, एंड 1,500 ओल्ड और इरेलेवेंट लॉज को। ओके चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर हम लोग का सेशन जो है कंप्लीट हुआ है। इसमें हम लोगों ने देखा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं और लोक अदालत क्या होती है, इंडिपेंडेंस क्या है जुडिशियरी का और जुडिशियंसी ऑफ द हाई कोर्ट क्या है, जुडिशियंसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या है। ओके चिल्ड्रंस, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चैप्टर 11 पेज नंबर 86। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।